स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग एक, पाठ 8वां। पाठ का नाम है धातु विज्ञान मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया है कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होता है। उम्मीद आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को देखने का फायदा क्या है, आपको धातु और अधातु के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उन सभी गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपको आने वाली जो वीडियोज रहेंगी उनको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है धातुओं की अभिक्रिया, कि धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, धातु पानी के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे धातु जो होते हैं वो अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले धातुओं की अभिक्रिया, हम लोग देखने वाले धातुएं किस प्रकार से दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं धातुएं अभिक्रिया करती क्यों है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो भी धातुएं होती है उनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी बाहरी कक्षा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो धातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। उनकी आखिरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो त्याग देंगे। और त्यागने के बाद वो क्या होता है, धनायन बना देते हैं। ठीक है, धनायन बनाने से क्या होता है, धनायन बनाने से उनका जो अष्टक होता है स्टूडेंट्स वो स्थिर हो जाता है। जब अष्टक स्थिर हो जाएगा तो क्या करेंगे, निष्क्रिय तत्व जैसा कार्य करना शुरू कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे किसको, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऐसे तत्वों के साथ जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिनकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5, 6 या 7। जब इनके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये लोग क्या करते हैं, यौगिक तैयार करते हैं और धातु अलग अलग तत्वों के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर पाती है। तो यहाँ पर देखना हमको, धातुएं जो होती है वो 6 तरीके से अभिक्रिया करती है। सबसे पहले धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे धातुओं को पानी के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होता है, फिर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे कहते हैं और धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, और धातुओं का अन्य धातु लवण जो होते हैं उनके साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है, और लास्ट में देखेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स समझते हैं धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी धातु जो होता है, आप सभी को मालूम धातु अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। ठीक है, तो वो हिसाब से हर एक धातु की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई धातु जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है, कोई धातु होते बहुत स्लो अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इस श्रेणी के माध्यम समझेंगे कि कौन से धातु की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, ताकि आप लोग देख के बता पाओ कि वो अभिक्रिया जल्दी करेगा, कौन सा धातु अभिक्रिया देर से करेगा और कौन सा धातु अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करेगा। ठीक है, आप इस श्रेणी को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से धातु अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है और कौन से धातु अभिक्रिया बहुत मंद गति से करते हैं। स्टूडेंट्स, उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत तेज़ी से होना और बहुत मंद गति से होने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। जब कोई धातु किसी भी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करता है तो उस समय ईंधन की बचत होती है और समय की बचत होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ईंधन की बचत होती है और समय की बचत होती है। हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि किसी भी धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर कि उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे पोटेशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर लिथियम है, फिर कैल्शियम है। ये जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, सबसे ऊपर जो तत्व आपको दिख रहे हैं उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है और जो बीच में अब तत्व दिख रहे हैं उनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मध्यम है। समझ आ रहे हैं, और जो सबसे नीचे तत्व आपको दिख रहे हैं या धातु आपको दिख रहे हैं उनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, बहुत कम है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है। मतलब ये किसी भी हाइड्रोजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया या आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। फिर मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, लोह हो गया, टीन हो गया, सीसा हो गया, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, बहुत मध्यम है। मतलब ये
इनसे ज्यादा स्पीड से तो अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में इनके साथ हम लोग अभिक्रिया करवा सकते हैं किसी भी धातु का। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर सीसा के बाद एक हाइड्रोजन आता है, किसकी बात करूँ मैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि अधातु है, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन इसका भी गुणधर्म है कि हाइड्रोजन जो होता है इन ऊपर जितने भी तत्व हैं इनके साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन जैसे तांबा हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनके साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तांबा, पारा, चांदी और सोना इनके बाहरी कक्षा में ये लोग इलेक्ट्रॉन त्यागते ही नहीं है, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं त्यागते जैसे, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये लोग इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्यागते हैं, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ठीक है वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा। बातें समझ में आ रही होगी? तो तांबा, पारा, चांदी और सोना, और नीचे एक और आएगा प्लेटिनम, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, प्लेटिनम ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि इन तत्वों के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो जल्दी त्यागते नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऊपर जितने भी तत्व वो जल्दी अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखते हैं ये जो तत्व है स्टूडेंट्स, ये पानी के साथ जल्दी अभिक्रिया करते हैं। कौन? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, ये पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं। और अगर बात करें मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन और सीसा, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन जो सोना हो गया या प्लेटिनम हो गया या चांदी हो गया, ये अभिक्रियाशीलता इनकी बहुत कम है। तो इस अभिक्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए तीन चीज़ों में इसका वर्गीकरण किया गया, धातुओं के अभिक्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए तीन चीजों में वर्गीकरण किया गया, अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु। अधिक में कौन आ जाएगा आपको मालूम है, ये आ जाएंगे, मध्यम में आ जाएगा मैग्नीशियम से लेकर सीसा, और कम अभिक्रियाशीलता धातु वाले में आ जाएगा सोना और प्लेटिनम और चांदी भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक समझाए? अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको आने वाली सारी वीडियोज आपको समझने बहुत आसानी होगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है स्टूडेंट तो क्या बनाती है? ऑक्साइड तैयार करती है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे क्या बनाएगा? ऑक्साइड तैयार करे। क्या तैयार करे? ऑक्साइड। और हर एक धातु का अभिक्रियाशीलता क्या होती है? अलग अलग होती है। मैंने अभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर आपको बताया। जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम जो है धातु है ठीक है, और सोडियम की आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी को मालूम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु क्रमांक 11, अगर इसका इलेक्ट्रॉन संरूपण करोगे तो 2, 8 और 1 मिलेगा ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? दे देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन संरूपण रहेगा 2 और 6, मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम मिलने चाहिए? 2, तभी तो इसका स्ट्रक पूरा होगा ना। इसका स्ट्रक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सोडियम इसको मिलेंगे ठीक है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड तैयार करता है ठीक है। समझाई बातें समझ में आ गई? उसी प्रकार अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करेगा। बातें समझ में आ रही? वो मतलब यहाँ पर जो भी धातु है जब किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या तैयार करता है? ऑक्साइड निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ऑक्साइड। और जब वो ऑक्साइड जो रहेगा वो पानी के साथ अभिक्रिया कर देगा। जब भी धातु का जो ऑक्साइड है, ये जो धातु का ऑक्साइड है वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? हाइड्रोक्साइड ठीक है। बातें समझ में आ रही है? और यहाँ पर मैग्नीशियम है, वो जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा, यहाँ पर 2 आएगा ठीक है। आप सभी को मालूम है मैग्नीशियम जो होता है उसका पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है आखिरी कक्षा में, और हाइड्रोजन का आप सबको मालूम है जब इसका तिरय गुणा करोगे तो आप सभी को मालूम है 2 यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ पर, इस प्रकार इसका अणुसूत्र तैयार हुआ ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर धातुओं को हवा में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? संयोग करती है। जबकि किसी धातु को हवा में आप गर्म करोगे तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और धातु ऑक्साइड निर्माण होता है। सोडियम, पोटेशियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। मैंने अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बताया कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर थे ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी। कमरे के तापमान में सोडियम धातु की हवा के ऑक्सीजन साथ संयोग होकर सोडियम ऑक्साइड तैयार करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हवा में खुला छोड़ा गया जो सोडियम है वो आसानी जलने लग जाता है। यदि आप लोग सोडियम को हवा में खुला छोड़ देते हो तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेगा और जलने लग जाता है। इसलिए सोडियम को प्रयोगशाला में मिट्टी के तेल में रखा जाता है
ताकि सोडियम जो है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न कर पाए। तो उसको बचाए रखने के लिए प्रयोगशाला में दुर्घटना ना हो इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, या तो आप बोल सकते हो क्षार तैयार करते हैं। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, क्षार है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो सोडियम जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड तैयार करता है, लेकिन जब वही ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षार तैयार करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम का एग्जांपल भी आपको समझेगा कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर क्षार है। ठीक है, अब आगे ठीक है, धातु को पानी के साथ अभिक्रिया। आपने अभी ऊपर देखा कि धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड तैयार करती है, और बाद में वही ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा। वहां पर भी हमने सीखा, लेकिन यहां पर हम लोग एक अलग से सीखेंगे कि धातुएं जब तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या तैयार करती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए जब भी कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये बात को याद रखिएगा, जब भी कोई धातु किसके साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, पानी का अणुसूत्र क्या H2O है, ठीक है ना। जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन उसके साथ संयोग कर देगा और H2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए यहां पर क्या लिखा है, सोडियम पोटेशियम इन धातुओं को पानी के साथ शीघ्र गति से अभिक्रिया होती है। जो सोडियम और पोटेशियम है वो पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, और सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, साथ ही साथ ऊष्मा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे हो तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। पोटेशियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चों, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम समझा कि पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक तत्व तो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। कोई कोई ठंडी पानी के साथ अभिक्रिया करता है, कोई पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, इसके विपरीत जो कैल्शियम है वो पानी के साथ मंद गति से अभिक्रिया करेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, धातु के पृष्ठभाग पर बुलबुले के रूप में गैस जमा होगी। हाइड्रोजन गैस जब बाहर जाएगी तो बुलबुले के रूप में पानी से बाहर निकलते हुए दिखाई देगी। जब पानी के अंदर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे तो आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स, अब आगे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जस्ता, ये ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, या जस्ता हो गया, जिंक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन वाष्प के साथ वो लोग अभिक्रिया करते हैं। मतलब एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जस्ता, ये ठंडे गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना तो ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे, ना ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करते किसके साथ है लोग, वाष्प के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग बर्नर की सहायता से यहाँ पर कपास लगा दिए ताकि ये गर्म हो और यहाँ से वाष्प निकले। जो वाष्प निकलेगा यहाँ पर धातु रहेगा, धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पानी में जाएगी और बुलबुले के रूप में क्या होगी, बाहर आएगी। तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया पानी के साथ अभिक्रिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। फेरस हो गया, फेरस पानी के साथ अभिक्रिया किया, फेरस और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड तैयार हो गया, ऑक्साइड तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त। जिंक हो गया, H2O के साथ अभिक्रिया किया, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त। यहाँ पर जो संख्याएं दिख रही है, जो 2, 3 और 4, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया गया है। इसके पहले आपने तीसरा पार्ट पढ़ा होगा जिसके अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसके अंदर आपने सीखा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। चूंकि देखा जाए तो सभी धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि अम्ल में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, उनके सबके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आपने अभी जो मैंने श्रेणी बताया था, कौन सी श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, उसके अंदर हमने देखा जो तांबा था, पारा था, चांदी और सोना और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर थी, हाइड्रोजन के ऊपर मतलब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, ये सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब ये सब के सब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, जस्ता, इनके नमूने को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, इसको हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है ना,
इन सभी के साथ अभिक्रिया होने पर सल्फेट या क्लोराइड लवण तैयार होते हैं। या तो सल्फेट तैयार करेगा, मतलब वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट तैयार करेगा, या तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तैयार करेगा क्लोराइड लवण तैयार करेगा। जैसे बात करें सोडियम, सोडियम जो है बच्चों वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड तैयार करता है NaCl और प्लस H2O पानी बनता है, बराबर। अगर कोई भी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फेट तैयार करेगा, और जब वही धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या तैयार करेगा, क्लोराइड के लवण तैयार करेंगे, बराबर है। लवण मतलब क्षार, आपने देखा जब भी कोई धातु किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार युक्त तैयार करता है। अब आगे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाएगी, और इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता निम्नानुसार दर्शाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम जो रहेगा एल्यूमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा, एल्यूमिनियम जो रहेगा वो जस्ते से ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा, और जस्ता जो रहेगा वो लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा फेरस से, ठीक है। अब जब भी कोई धातु अभिक्रिया करेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, जब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और आप मोमबत्ती जलाओगे तो वहाँ पर आपको पॉप करके आवाज़ आएगी, जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो पॉप करके आवाज़ आती है, ठीक है। अब आगे तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम है वो HCl के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार कर दिया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। यहाँ पर एल्यूमिनियम है HCl के साथ अभिक्रिया किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार कर दिया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। फेरस है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया, फेरस क्लोराइड तैयार किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। जिंक है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो इसी तरह अगर वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फेट तैयार करेगा, SO4 आएगा लास्ट में, ठीक है ना, सल्फेट तैयार कर देगा, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर 2-3 दिख रहा है ना, वहाँ पर 4-4 दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ तक समझा। अब आगे अगला देख लेते हैं, धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखा आपने कि धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जैसे हम लोग बोल सकते हैं तांबा हो गया, पारा हो गया, चांदी, सोना, ये कुछ ये ऐसी धातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, या करेंगी तो बहुत अल्प मात्रा में करेंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागती नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया जो धातु इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देता है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं धातुओं का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुओं के नाइट्रेट लवण तैयार करते हैं। जब भी कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रेट का लवण तैयार करता है, साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो ये सारे ऑक्साइड तैयार होते हैं। जैसे कॉपर है, ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये क्या है, सांद्र है और ये तनु है। सांद्र मतलब आपको समझता होगा, तनु भी आपको समझता होगा। सांद्र मतलब जिसकी अभिक्रियाशीलता करने की जो दर रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी, तनु मतलब जो बहुत स्लो स्लो अभिक्रिया करेगा, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट तैयार करेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार करेगा और पानी बाहर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रेट्स के क्या तैयार करेंगे, लोग लवण तैयार करेंगे, लवण मतलब क्षार तैयार करेगा। अब आगे राज, इसमें अम्लराज क्या होता है, अम्लराज के बारे में आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा। अम्लराज मतलब ऐसा अम्ल होता है जिसके अंदर लगभग सभी पदार्थ घुल जाएंगे, लगभग सभी पदार्थ घुल जाते हैं, घुल जाएंगे मतलब वो लोग उसके अंदर द्रव बन जाएंगे। तो अम्लराज ये अत्यधिक क्षरणकारी है, ये सगुमय द्रव है। सोना और प्लेटिनम इन राज धातुओं पिघला सकने वाले कुछ अभिकारकों में से यह एक है, मतलब इस यह अम्लराज ऐसा द्रव है जिसके अंदर सोना और प्लेटिनम ये राज धातु भी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। समझ आ रहा मेरी बात है। अब सांद्र ये अम्लराज बनता कैसे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल मतलब NO3, ठीक है ना, NO3, बातें समझ आ रही है, NO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो इनके साथ जब अभिक्रिया होगी HNO3, तो इनका 3:1 एक लिया जाता है, मतलब HCl के 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु लेकर अम्लराज तैयार किया जाता है। अम्लराज में लगभग सभी पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और इसको मतलब किसी पदार्थ को पिघलाने के लिए हम लोग अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। कक्षा 8वीं में आपने इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन किया होगा। यदि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो अम्लराज के बारे में, ठीक है। अम्लराज को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। क्योंकि अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया, धातु जो होते हैं वो अन्य धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे, देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो न तो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, न तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ना ही वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इस समय क्या होता है,
इस समय धातुएं क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको मालूम होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये दो तत्व रहेंगे, एक तत्व जो रहेगा उसकी अभिक्रियाशीलता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और दूसरे वाले तत्व की अभिक्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा और अभिक्रिया करेगा। समझ में आ रही मेरी बातें, तो चलिए पढ़ के समझते हैं। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है, सभी धातुएं ऑक्सीजन, पानी, अम्ल, इन अभिकारकों के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब सारी धातुएं जो होती है ना, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, इन पानी के साथ, मतलब बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो पानी, अम्ल और ऐसे जो अभिकारक हैं इनके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो क्या करती हैं, तो वे लोग क्या करेंगे, वो लोग विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आपके पास एक धातु ए है और दूसरा धातु बी है। अब ए जो धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है, किसके, बी से। तो ए क्या करेगा, बी की जगह ले लेगा और वहाँ पर अभिक्रिया घटित हो जाएगी। जैसे धातु ए है और धातु बी का ए विलयन है, तो धातु ए क्या करेगा, धातु ए विलयन में आ जाएगा, मतलब बी को यहाँ पर विस्थापित कर दिया, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब आगे आखिरी टॉपिक हमारा है धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया, मतलब कोई भी धातु अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल आपने बहुत पहले देखा होगा, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, तो सोडियम क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब लवण तैयार होते हैं। जब भी धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तैयार करेगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जब धातु और अधातु की अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी तैयार होता है, ठीक है, लवण और पानी तैयार होता है, तो इसको हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। राजवायु, उदाहरण हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन। राजवायु मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर 18 में है ना, उनको राजवायु कहा जाता है। ये अधातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, इसका सिंपल सा रीजन है कि इनकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी भी तत्व की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका अष्टक पूरा है, मतलब जब उसका अष्टक पूरा है तो उसको क्या जरूरत है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की। समझ आ रहा है मेरी बात, तो जो राजवायु होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से भाग नहीं लेते हैं। हमने धातु की अभिक्रिया अभी तक देखी है, धातु ऑक्सीकरण से धन आयन बनाते हैं, आप सभी को मालूम है। धातु जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धनात्मक आयन बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है तो वहाँ पर क्या बनेगा, धन आयन तैयार होगा। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति पूर्ण करना प्रेरक शक्ति, धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया में भाग ले सकती हैं। अगर हम लोग धातु अधातु की बात करें तो उनको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में ध्यान दें तो हमको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। बातें समझ आ रही, जब अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनात्मक, और जब अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक बन जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण बोल सकते हैं, जिसके अंदर लवण तैयार होता है। इसका एग्जांपल याद रखें सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। आपकी निकली राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण प्राप्त करती है, बराबर, जो भी लोग अभिक्रिया कर लेंगे तो उनके नजदीक की राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण देखा जाए तो 8 और 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसके अष्टक पूरा करना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके आखिरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन जैसा बन जाएगा। किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन। नियॉन क्या है, एक राजधातु है, ठीक है। राजवायु की धातुओं कक्षा पूर्ण होने के कारण राजवायु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है। राजवायु की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बात किया है कि जो धातुएं होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता किस प्रकार होती है, या अभिक्रिया कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं जो हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, कुछ ऐसी धातुएं जो पानी के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ ऐसी धातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, और उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और कमेंट करके आप लोग अपनी राय दे सकते हो, पूछे गए प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।